बेरोजगार युवाओं के साथ उत्तराखंड में अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक हाकम सिंह जेल जाता है तो दूसरा हाकम सिंह मार्केट में आ जाता है और ऐसा लगातार उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के साथ हो रहा है। अब एक नया मामला सामने आया जिसमें युवाओं को नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए ठगे जा रहे हैं। यहाँ तक कि 3 महीने की सैलरी जो कि एडवांस में देगा उसे ही नौकरी दिए जाने की बात कही जा रही है और यह कारनामा कर रही है एक कंपनी जिसका खुलासा आज कांग्रेस के नेता व पेशे से अधिवक्ता संदीप चमोली ने किया। संदीप चमोली ने राजधानी देहरादून स्थित प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए TDS आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और युवाओं के उत्पीड़न को लेकर खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि फरवरी 2024 में जलागम प्रबंधन डिपार्टमेंट के UCRRF प्रोजेक्ट के अंतर्गत TDS आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। इस विज्ञप्ति के अंतर्गत अनगिनत खामियां हैं एवं बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर संबंधित आउटसोर्सिंग कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने एवं शासनादेश का उल्लंघन करने वाले संबंधित अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने TDS आउटसोर्सिंग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं का बिंदुवार ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि अगस्त 2023 में जारी उत्तराखंड शासन के एक शासनादेश के अंतर्गत उत्तराखंड में आउटसोर्स के माध्यम से की जाने वाली सभी भर्तियों को रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आयोजित किया जाना था। इसके लिए बाकायदा मुख्य सचिव उत्तराखंड के द्वारा जारी शासनादेश में सभी विभागों को स्पष्ट तौर पर आदेशित किया गया था, लेकिन जलागम विभाग द्वारा इस शासनादेश का खुला उल्लंघन किया गया और बगैर रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से इस भर्ती को आयोजित किया गया। साथ ही TDS कंपनी के द्वारा जब विज्ञप्ति जारी की गई तो विज्ञप्ति में पदों का ब्यौरा, अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता इत्यादि का कोई ब्यौरा मेंशन नहीं किया गया और न ही TDS कंपनी के वेबसाइट में इस भर्ती को लेकर कोई जानकारी जारी दी गई है। बड़ी बात तो यह है कि TDS कंपनी के द्वारा इंटरव्यू से पूर्व ही आवेदकों से रुपयों की डिमांड की जाने लगी। बोला जाने लगा कि जो कंपनी के अकाउंट में 3 महीने की सैलरी एडवांस में डालेंगे उन्हीं का सिलेक्शन किया जाएगा। इस कारण कई सारे आवेदकों ने 3 महीने की सैलरी इंटरव्यू से पहले ही कंपनी के HDFC बैंक के खाते में जमा भी की है। अब तक इस खाते में लाखों रुपए कई सारे आवेदकों के द्वारा ट्रांसफर किए जा चुके हैं। जिन आवेदकों ने एडवांस में इस कंपनी को रुपए दिए अधिकांश उन्हीं आवेदकों को इंटरव्यू में बुलाया जा रहा है। इन पैसों के जमा किए जाने और नियुक्ति को लेकर क्या हुआ का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए वह ऑडियो। हाँ ऋतिक बोलो। हाँ सर बताओ, हो रहा है नहीं हो रहा है मेरा? भाई तेरा ऐसा है, अगर ऑफिस असिस्टेंट में करना चाहता है तो मैं देख लूंगा, ठीक है? कब तक भी कब देखोगे? अभी वो इसमें अभी ना इनकी एग्री बिजनेस कोऑर्डिनेटर वाले की जॉइनिंग होगी, पहले है ना सोशल कोऑर्डिनेटर की होगी, जेई के इंटरव्यू के बाद होगा तेरा। जेई के इंटरव्यू तो सर कितना टाइम लगेगा इसमें? टाइम तो बता दो। टाइम तो लगेगा भाई, कम से कम जेई के इंटरव्यू लगा ले। अभी तो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं ना जुलाई में। हाँ तो उसके बाद ही तो कोई कंफर्मेशन तो होगी मेरे की। हाँ हो जाएगा। मैंने भी कंफर्मेशन ये है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश तो अलग चीज है सर, मैंने भी किसी से पैसे उठाए हैं ब्याज में सर। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने भी किसी से पैसे, समझ रहा हूँ वो चीज है, ठीक है? हाँ तो वही है, समझ रहा हूँ। मैं भी महीने के जो भी दिया, मैं भी महीने के उसको पैसे दे रहा हूँ, अब वो भी पूरे पैसे मांग रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा भी होगा मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है ना? तो कोई कंफर्मेशन दे दो सर कि क्या कहते हैं, जुलाई जुलाई की लास्ट वीक में बता पाऊंगा तुम्हें कंफर्मेशन क्या है क्या नहीं है। और अगर सर अगर आपको लगता है कि दोबारा वो ऑडिट तुम्हारे डॉक्यूमेंट ऑडिटर ने पकड़ लिए थे ना भाई, सारी बात ये है तो एक बार नहीं दो, ठीक है? एग्री वाला ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो आप पैसा उठा दो, सीधी बात ये है भाई। मैं मेरी बात सुन, मैंने इसलिए लोगों से जो भी आपने जमा कराया वो कंपनी के अकाउंट में जमा कराया है। ऐसा नहीं किसी ने आपने कहीं बाहर आपने किसी को कैश दिया है, ठीक है? तो मैं आगे कंफर्मेशन दे देता हूँ कंपनी में कि भाई बंदे का अपना रिफंड मांग रहा है, तो फिर उसके हिसाब से मैं उनको बोल देता हूँ फाइनेंस ऑफिसर को। वही कह रहा हूँ, अगर नहीं हो रहा तो सीधे सीधे पैसे रिटर्न। हाँ एक बार फाइनेंस ऑफिसर से बात कर लूंगा मैं, ठीक है? तो सुना आपने ऑडियो, साथ ही आपने इस खबर में युवाओं द्वारा नौकरी के लिए जमा किए गए पैसों के स्क्रीनशॉट भी देखे। तो साथियों उत्तराखंड में इस तरह खुलेआम चल रहा नौकरियों में भ्रष्टाचार का खेल और इस खेल में हताश हो रहे हैं मेहनती युवा जो इन नौकरियों को खरीद पाने में असमर्थ हैं। अब बड़ा सवाल तो ये है कि इस कंपनी का मालिक कौन है और आखिर वह उत्तराखंड में किसके बलबूते पर नौकरियों की खरीद फरोख्त को अंजाम दे रहा है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ये TDS आउटसोर्सिंग कंपनी जिसका पूरा नाम TDS मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड है
और भले ही इसकी स्थापना उत्तराखंड में होने के दावे किए जा रहे हों, परंतु आज तक इस कंपनी का प्रधान कार्यालय चंडीगढ़ में स्थापित है। इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अरविंद बलोनी। संदीप चमोली की माने तो अरविंद बलोनी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता जो कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री से लेकर कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं के खास हैं। और यही कारण है कि टीडीएस आउटसोर्सिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर अरविंद बलोनी युवाओं से नौकरी के नाम पर उगाही को अंजाम दे रहे हैं, यानी कि अब दूसरे हाकम सिंह बन रहे हैं। संदीप चमोली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि फोटो प्रिंट जारी किया, उस फोटो प्रिंट में केंद्र में मंत्री रहे प्रदेश के कद्दावर नेता व पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक नजर आ रहे हैं, जिससे यह मामला बेहद हाई प्रोफाइल हो गया है। संदीप चमोली ने आरोप लगाया कि अब जो युवा टीडीएस कंपनी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, उन युवाओं को कंपनी के द्वारा धमकाया भी जा रहा है और उनका भविष्य खराब करने की धमकियां दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि कंपनी बीजेपी के इसी वरिष्ठ नेताजी की है। मुख्य मुद्दा इस राज्य के उस लेटेस्ट वर्जन से जुड़ा हुआ है, जिस वर्जन में हाकम सिंह सिर्फ कहानी से गायब हो जाते हैं। कहानी में नए लोग आते हैं सरकारी जामा पहनकर, कानूनी जामा पहनकर। उनका नाम है आउटसोर्सिंग एजेंसी। इस प्रदेश में जलागम में एक 266 पदों की वैकेंसी निकलती है। जो कंपनी इसका काम लेती है वो कंपनी पहले भी वादों में रही है, तब भी उसको काम दिया जाता है। और इस प्रदेश के युवाओं से 90-90 हज़ार रुपये लेकर प्रदेश के हर कोने से युवाओं ने उनके अकाउंट में 90-90 हज़ार रुपये डलवाए हैं। इसका सबूत वीडियो के तहत मेरे पास मौजूद है, जिस युवा के द्वारा कहा जा रहा है कंपनी के मैनेजर को कि जो मेरे पैसे दिए गए हैं, अगर मेरी नौकरी लग नहीं रही है तो मेरे पैसे लौटा दिया जाए। तो आप समझते हैं प्रदेश में आउटसोर्सिंग एजेंसी किस प्रकार का काम कर रही है। पहली बात, जिस व्यक्ति द्वारा काम लिया गया है वो भाजपा के जो बहुत बड़े नेता हैं, यहाँ सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, सांसद रहे और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका फोटो अपनी वेबसाइट के मुख्य पेज पे लगाया गया है। तो आप समझ सकते हैं जब बच्चे अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, जबकि जियो स्पष्ट कहता है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी किसी भी रोजगार के नाम पर कोई भी पैसा किसी से नहीं ले सकती, लेकिन इनकी फोटो दिखाकर, इनका करीबी बताकर, और ये व्यक्ति कम से कम जो इस कंपनी का MD अपने आप को बताता है, कम से कम 2.5 से 3 वर्ष जो तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका सबसे करीबी व्यक्ति रह चुका है, उसे कई स्थानों पर, कई जगहों पर स्वयं इनके साथ उसको देखा गया है। ये तस्वीर उसका जीता जागता प्रमाण है। तो दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का कि हाकम सिंह, सिर्फ हाकम सिंह का नाम बदला गया है, लेकिन जो हाकम सिंह के तहत नौकरी बेचने का लेटेस्ट वर्जन है, ये आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में प्रदेश में आया है। ऐसे में कांग्रेस के नेता संदीप चमोली ने तत्काल प्रभाव से भर्ती को निरस्त करते हुए इस प्रकरण की जांच एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी से कराए जाने की भी मांग की। साथ ही उन्होंने इस पूरे प्रकरण में जलागाम निदेशालय की भूमिका को भी संदिग्ध बताया। चमोली ने सरकार को चेताया कि अगर इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया तो कांग्रेस जन सड़कों पर आंदोलन को बाध्य होंगे। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से मुख्य संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।